शांति। ओम शांति। टुडेज मुरली डेट इज आज की तारीख है 29/1/17 और आज हम रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 16/1/82 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, बड़ा प्यारा शीर्षक है, जो हम बच्चे सारे दिन में कितनी बार ये शीर्षक में जो मीठे शब्द आए हैं वो दिल ही दिल में बोलते रहते हैं और मीठे मीठे बाप दादा को प्यार करते रहते हैं। तो शीर्षक है मेरा बाबा आ गया। ये आवाज बुलंद करने के लिए चारों ओर फरिश्ते रूप में छा जाओ। बाबा कहते बस इतने सारे बच्चे हो, सब अलग 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 स्थानों पर फरिश्ता बन करके और ये बाबा का संदेश देने के लिए आवाज बुलंद करने के लिए उस स्वरूप में छा जाओ। आज बाप दादा कहाँ आए हैं और किनों से मिलने आए हैं जानते हो? आज गॉड स्वयं भगवान गॉडली फ्रेंड बन करके आए हैं। हर एक को फ्रेंड बहुत पसंद होता है, तो बाबा भी हम बच्चों का परम मित्र बन करके आए हैं। तो फ्रेंड्स आपस में क्या बातें करते हैं, गाते हंसते खाते बहलते हैं। आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, बातें करेंगे, गाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, बहलेंगे। तो आज बाप दादा सुनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मिलन मनाने के लिए आए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कितनी दूर दूर से और कितने वैरायटी प्रकार के गॉडली फ्रेंड्स पहुंच गए। हाँ, बाबा के तो बहुत वैरायटी मित्र हैं और वो कहाँ कहाँ से दूर दूर से भी बाप के पास पहुंच गए हैं, नहीं मित्र के पास पहुंच गए हैं। कितने अच्छे फ्रेंड्स हो जो एक गॉड को फ्रेंड बनाने के बाद एक गॉडली फ्रेंड दूसरा ना कोई। हाँ, बाबा कहते हैं आप कितने अच्छे मेरे मित्र हो, जो आपने कौन सी धारणा बना के रखी है कि बस मेरा तो यही एक परम मित्र, मेरा और कोई भी मित्र नहीं है। तो हर एक की फ्रेंडशिप का अपना अपना चित्र देख रहे हैं। सदा की सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल में संकल्प आता है वो सब फ्रेंड्स को सुनाया जाता है। वैसे भी जो मित्र का कायदा होता है वो क्या है, आपस में प्रेम का। मित्र का आपस में प्रेम का यही कायदा होता है कि जो भी मन में, दोनों मित्रों के मन में जब भी जो भी जैसा भी संकल्प आए, विचार आए, वो एक दो को तुरंत सुना देना। तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है ना, तो बाबा कहते हैं आपने भी मुझ परम मित्र को, परमात्मा को ऐसा मित्र बनाया है ना, जो आप अपने हर दिल की बात, हर मन में आने वाला विचार आप बाबा को सुनाओ। अविनाशी प्रीत का नाता जोड़ा है ना। हाँ, बाबा के साथ तो हमारी अविनाशी प्रीत ही है, क्योंकि बाबा अविनाशी, हम भी अविनाशी और हम आत्माएं जब तक अजर अमर अविनाशी, तो ना स्वाभाविक है हमारी मित्रता भी अविनाशी। अभी अभी जोड़ा, अभी अभी तोड़ा, ऐसा तो नहीं है, क्या समझते हो? बाबा कहते कहाँ ऐसी दोस्ती तो नहीं की है ना बाबा से कि अभी अभी बाबा को दोस्त माना, अभी अभी दोस्त को दोस्ती फोक कर दी, ऐसा तो नहीं हो। ऐसे तो आप फ्रेंड नहीं हो ना, अविनाशी फ्रेंडशिप है। बाबा कहते हैं अविनाशी दोस्ती है मेरे साथ। सारे कल्प के अंदर ऐसा बाप कहो, फ्रेंड कहो, जो भी कहो, सर्व संबंध निभाने वाला कहो, मिलेगा।
व्हाटएवर थॉट्स, हाँ सब बताइए, क्या हमको ऐसा परम पिता परमात्मा, ऐसा परम मित्र और सर्व संबंध निभाने वाला, जब भी याद करे हमें मदद करने पहुंचे, तो ऐसा परम मित्र निभाने वाला हमको मिलेगा, मिला है नहीं? सारे कल्प का चक्र लगाया तो मिला, सारे कल्प में नहीं मिला, और अपने फ्रेंड्स को व सर्व संबंधियों को ढूंढा भी बाप ने आकर, हमने नहीं परम मित्र को ढूंढा, लेकिन वो परम मित्र ने क्या किया, वो बाप ने क्या किया, अपने बच्चे को ढूंढा इतने पूरे विश्व से, और अपने मित्र को ढूंढा कि मेरा वो मित्र कहाँ चला गया, आप तो नहीं ढूंढ सके, हम तो ढूंढते ही रहे, ढूंढते ही रहे, हमें तो मिला नहीं, पर बाप हमको फ्रेंड के रूप में सामने से आकर के मिले। अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने का आधार व विधि अच्छी तरह से जानते हो? बाबा कहते हैं कि आप अपने परम मित्र के साथ अविनाशी संबंध जोड़ना और फिर उसको निभाने की जो विधि होती है, क्या उस विधि को जानते हो? सदा एक ही बात याद रहे, बाबा कहते विधि में पहली मुख्य बात क्या याद रहे, मेरा बाबा। हाँ, बाबा कहते क्या याद रहे, दिल से कहो, मुख से कहो, नैनों में दिखाओ, चेहरे पर दिखाओ, क्या दिखाएं, क्या बोलें, क्या कहें, मेरा बाबा। मेरा मेरा कहने से अधिकारी आत्मा बन जाएंगे, ये मुश्किल है क्या? जब हम किसी को मेरा कहते हैं ना, तो हम उस पर अपना हक भी जताते हैं, अर्थात हम उसके अधिकारी बन करके उनसे अपने व्यवहार करते हैं। जब बाप ने कहा मेरा बाबा, तो बच्चे को मेरा बाबा समझना क्या मुश्किल है? जब हम ब्राह्मणों के पिता ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरा बाबा, जब बाप ने हमारे कह दिया मेरा बाबा, तो हम बच्चों के लिए क्या मुश्किल है? हमको बाप को फॉलो करना है। And are claiming ये मेरा शब्द 21 जन्म के लिए, ध्यान से सुने, ये मेरा शब्द 21 जन्म के लिए अटूट संबंध जोड़ने का आधार है। मेरा और कोई नहीं तो मेरा कौन? तो मेरा एक बाबा। तो ये जो मेरा शब्द बाबा के लिए जो हम बोलते हैं, तो ये हमारा 21 जन्मों के लिए अटूट संबंध जोड़ने वाला शब्द है। ऐसा सहज साधन अपनाया है, अनुभवी हो गए हो ना? अच्छा, आज बाप दादा देख रहे हैं कि कितने नए नए बच्चे अपना कल्प कल्प का अधिकार पाने के लिए भी पहुंच गए हैं और अपना अधिकार पा भी रहे हैं। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, जापनीज डॉल्स ठीक हो ना? हाँ, जापान की गुड़ियाएं आप सभी ठीक हो ना? क्योंकि जापनीज गुड़िया बहने जो थी बड़ी सुंदर सुंदर दिखने में, हाँ, तो बाबा कहते जैसे गुड़ियाएं लगती थी, तो बाबा ने कहा जापनीज गुड़िया डॉल्स, जापनीज डॉल्स ठीक हो ना? बहुत स्नेह से देख रही है, हाँ, वो बड़े प्यार से बाबा को देख कर बाबा को जैसे लुभा रही थी। देखो, देश और धर्म के घूंघट में होते हुए भी बाबा ने अपने बच्चों को अपना बना लिया है। तो जापानी डॉल्स क्या गीत गाती हो? माय बाबा, हाँ, मेरा बाबा। सब एक दो से प्यारी हैं। ऐसे ही देखो फ्रांस के बच्चे भी कितने प्रिय हैं। बाबा कहते खाली जापानीज डॉल्स की बात नहीं, लेकिन यहाँ
जहाँ बाबा ने नजर घुमाई तो सभी फ्रांस के बच्चे बैठे हैं, तो वो भी बच्चे कितने प्रिय हैं। भाषा को न समझते हुए भी किसको समझते हैं, और बाप को समझते हैं। कितनी वंडरफुल बात है ये भी। अच्छा, ये ब्राजील मैक्सिको के भी सभी ग्रुप के बच्चे बहुत अच्छे हैं। इस बार दूर दूर के ग्रुप के बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करके पहुंच गए हैं। लंदन, अमेरिका, जर्मनी तो है ही शुरू के, वो तो थोड़े पुराने बच्चे हो गए। नए नए स्थानों के बहुत सुंदर गुलदस्तों को देखते हुए बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। गुलदस्ता माना चैतन्य फूलों का, चैतन्य फूल स्वरूप जो बाबा के बच्चे हैं उनका गुलदस्ता देखकर बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दूर और कौन सा स्थान है बताइए? सबसे ज्यादा अमेरिका, लंदन, ये सब तो हैं, लेकिन सबसे दूर कौन सा स्थान है? कोई ने कहा परम धाम। ठीक बोल रहे हो, बाबा ने कहा बराबर बताया, लेकिन जितना ही दूर स्थान है उतना ही पहुंचने में सेकंड में पहुंचते हो वह देरी लगती है। अभी तो पहुंचने में सभी को बहुत टाइम लग गया, कोई को 8 घंटे लगे होंगे, कोई को 10 घंटे, कोई को 15-20 घंटे भी लग गए होंगे। तो बाबा कहते वहां से तो आने में टाइम लगा, लेकिन ये जो परम धाम जो सबसे दूर है वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। घर को याद किया, घर में पहुँच गए। बाबा सेड हांगकांग के भी चाइनीज भाषा बोलने वाले बच्चे भी पहुँच गए। गॉडली गुलदस्ते के अति शोभनीय फूल हो, अपने को इसी गुलदस्ते के फूल अनुभव करते हो ना। अच्छा, हर एक देश अपने अपने नाम से, सबके नाम तो बाबा नहीं लेंगे ना। हाँ, बहुत सारे देशवासी बच्चे बाबा के आगे आ गए तो बाबा कहते अभी मैं एक एक का बैठ के तो नाम नहीं लूंगा ना, इसीलिए बाबा कहते हर एक देश अपने अपने नाम से, सबके नाम तो बाप दादा नहीं लेगा, तो हर एक देश से आए हुए सभी बच्चे किसको अति प्रिय हो? बाप को अति प्रिय हो। बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हो और बाप दादा भी सर्व बच्चों को देख बच्चों की विशेषता के गीत गा रहे हैं। हाँ, कितनी अच्छी, हमको भी ये सीखने की बात है। बाप दादा हम बच्चों की विशेषताओं को देखते हैं, फिर हमारी विशेषताओं का वर्णन करते हैं और वही गीत गाते हैं। तो हमें भी क्या करना है? आपस में एक दो की विशेषता देखनी है, गुण देखना है, वर्णन करना है और हर्षित रहना है। बारबेडोज वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, वो भी एक देश है जहाँ के बच्चे भी खुश हो रहे हैं। ट्रिनिडाड की माताएं भी बहुत अच्छी हैं। वे तो ऐसे लगती हैं जैसे बहुत झूमने वाली, खुशी में झूमने वाली है। हाँ, वो इतना खुश हो रही थी बाबा को देख देख कर, जैसे कि नाच रही थी, झूम रही थी। मॉरिशियस की कुमारी की पार्टी भी बहुत अच्छी है। हाँ, मॉरिशियस से भी कुमारियों का ग्रुप है। हर एक कुमारी, हाँ कुमारियां ध्यान से सुनो और नशा चढ़ाओ, हर एक कुमारी 100 ब्राह्मण से उत्तम है। अगर 4 कुमारियां भी आई तो 400 ब्राह्मण आ गए। ये सोच रही है कि हमारा ग्रुप तो बहुत छोटा है, लेकिन आप में 400 समाये हुए हैं। मॉरिशियस की 4 कुमारियां थी, तो बाबा उनकी मनसा को पकड़ते हुए कहते हैं कि ये लोग सोच रही हैं कि हमारा ग्रुप तो सभी देशों से बहुत छोटा ग्रुप बाबा के पास मिलने पहुंचा है। तो बाबा कहते नहीं, आपके अंदर 400 ब्राह्मण समाये हुए हैं।
छोटा नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और लंदन तो रेस कर रहे हैं और जर्मनी फिर बीच का सिक्की लगा हो गया। हाँ बाबा, देखो एक एक देश को कितना महिमा करते हुए, प्यार करते हुए उनको अपना अधिकार सिखा रहे हैं। दुबई भी एक लाखों के समान है। हाँ बाबा ने दुबई को भी कहा कि आप भी कम नहीं हो। नैरोबी ने तो सबसे ज्यादा कमाल की है, मिनी पांडव भवन जो किसी ने नहीं बनाया है वो नैरोबी ने बनाया है। वाह नैरोबी वाह, अभिनंदन आपको कि मिनी पांडव भवन बाबा कहते हैं कोई ने नहीं बनाया, आपने बनाया है। अच्छा, व्हाइट हाउस बनाया है, जर्मनी की भी बहुत शाखाएं हैं, अमेरिका की भी बहुत शाखाएं हैं, पूरा ही यूरोप अच्छा पुरुषार्थ कर लंदन और ऑस्ट्रेलिया के समान वृद्धि को पा रहे हैं। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका वाले वर्तमान क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने चतुराई बहुत अच्छी की है। अमेरिका के अनेक कोनों में सेवा केंद्र खोल दिए। बाबा कहते हैं उन्होंने क्या किया है, कोने कोने में सेवा केंद्र खोल दिए। अभी चारों ओर सेवा का अच्छा घेराव तो कर लिया है। इससे ही समय आने पर व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस की विजय होगी। वाह अमेरिका कौन सदावे। हाँ बाबा ने वरदान दे दिया क्योंकि विनाश की ज्वाला भी अमेरिका से ही निमित्त बनेगी, तो स्थापना के विशेष कार्य में भी अमेरिका की पांडव गवर्नमेंट कहो, पांडव सेना कहो, वही निमित्त बनेगी। तो ऐसे सब तैयार होना। हाँ, अमेरिका निवासियों को बाबा खास सावधान करके पूछ रहे हैं कि ऐसे आप सभी तैयार हो ना। तो सभी ने हाँ जी बोला। बाबा कहते अच्छा ऑर्डर दे। हाँ बाबा कहते उनको ऑर्डर दे दे कि अपना कार्य शुरू करें। वो जापानी डॉल्स क्या करेंगी। हाँ अभी बाबा जापानी डॉल्स को देख रहे हैं, पूछ रहे हैं आप क्या करोगी। सबसे बड़ा सबसे सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेगी ना। हाँ बाबा ने गुलदस्ते के रूप में सेवा दे दी उन लोगों को, गुलदस्ता भी प्रदान किया। और बाबा ने कहा कि अब जब आओगी तो बाप दादा के आगे अपने जैसे अनेक ऐसे बच्चों को गुलदस्ते के रूप में ले आओगी। जर्मनी क्या करेगा। जर्मनी वाले ऐसी रोशनी फैलाएंगे जो अंधों को भी आंख मिल जाए। हाँ इतनी सेवा करेंगे। आत्मिक बॉम्ब व साइलेंस की शक्ति के बॉम्ब से हाँ जर्मनी को फिर ये बॉम्ब भी हाथ में रखने होंगे और उस बॉम्ब से वो ये सेवा करेंगे। अच्छा दुबई वाले क्या करेंगे। वहाँ छिपे हुए ब्राह्मण अपना जलवा दिखाएंगे जरूर। हाँ क्योंकि दुबई में उपनिषद ज्ञान नहीं दे पाते हैं, तो बाबा कहते छिपे हुए बाबा के बच्चे ब्राह्मण जरूर अपना जलवा दिखाएंगे। और धर्म होते हुए भी ब्राह्मण आत्माएं छिपी नहीं रह सकती, इसलिए वह भी बड़ा ग्रुप बना करके आएंगे। हाँ अभी से बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप बना करके आएंगे, अंदर अंदर तैयार हो रहे हैं, बाहर आ जाएंगे। ये दूर वाले दूर वाले कौन हैं, ब्राजील और मेक्सिको वाले। वो बच्चे क्या सोच रहे हैं, अब उनको बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि दूर से ऐसा बुलंद आवाज फैलाएंगे जो सीधा ही दूर से भारत के कुंभकर्ण तक पहुंच जाए। बाबा कहते हैं ब्राजील और मैक्सिको ऐसी आवाज फैलाएंगे जो सीधा वहां से भारत के कुंभकर्ण के कानों में आवाज जाएगी और उनको जगाएंगे। गयाना तो अमेरिका, न्यूयॉर्क का फाउंडेशन है,
दयाना ने जो किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। सुनाया था ना, दयाना के आत्माओं की विशेषता है VIPs होते हुए भी पूरे वारिस क्वालिटी है। अच्छा, कनाडा से कनाडा से भी त्रिमूर्ति आई है। त्रिमूर्ति में ही सारा संसार समाया हुआ है। कनाडा अभी गुप्त से प्रत्यक्षता की देश में आगे बढ़ेगा, अच्छा नंबर लेगा। देखो बाबा हमको कितना सभी में कैसे उत्साह उमंग अलग अलग बात को लेकर के भरना, हाँ वो भी हमने बाबा से सीखा आज। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं मलेशिया ने भी अच्छी मेहनत की है। ऐसे नहीं समझो कि मैं अकेला आया हूँ, लेकिन आपके अंदर सभी सोल समाई हुई है। बाप दादा एक को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप में समाये हुए समीप और स्नेही आत्माओं का दृश्य दूर से ही देख रहे हैं। उन आत्माओं का आवाज आपको भी तो आ रहा है ना, आज जो नहीं पहुंचे उनकी आवाज आ रही है ना। न्यूजीलैंड की निमित्त बनने वाली आत्माएं पावरफुल हैं, इसलिए सदा बाप दादा की फुलवाड़ी खिली रहेगी। स्थान छोटा है लेकिन सेवा बड़ी है। अभी आगे बाबा फिर कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और लंदन की ब्रांचेस तो बहुत है, ऑस्ट्रेलिया और लंदन की शाखाएं बहुत है। पोलैंड में भी वृद्धि हो जाएगी, एक जगे हुए दीपक से दीपमाला हो जाएगी। आगे बाबा कहते हैं अभी तो देखो फिर भी नाम ले रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष आएंगे तो इतनी वृद्धि करना जो नाम लेना ही मुश्किल हो जाए। बाबा कहते सब अपने आजू बाजू देशों में शहरों को जगाना, जो सब आपके साथ आवे, फिर बाप दादा को सबके नाम लेना भी मुश्किल हो जावे। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड का, मंदिर में आओ आओ कहते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आएगा सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च आदि सब मिल सबसे मिलकर एक ही मिली हुई आवाज होगी कि हमारा बाबा आ गया। सबके मुख से दिल से एक ही आवाज निकलेगी। फिर वो आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए हो, चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उनको नजर आएंगे। सारे वर्ल्ड में फरिश्ते ऐसे छा जाएंगे जैसे बादल छाए हुए होते हैं, और सबकी नजर कहाँ होगी, आप एंजल की तरफ और बाप की तरफ होगी। तो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्ते का। बाबा कहते हैं ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जो आप बाप दादा का साक्षात्कार कराओ। अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पर सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो ना। हाँ बाबा कहते हैं अभी थोड़ा थोड़ा बीच में कभी कभी माया के तूफानों में रॉयल रूप में हलचल में आ जाते हो, लेकिन फाइनल सभी की नजरों में फरिश्ते तो आप ही हो ना, आपके सिवाय और कौन है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट व खेल दिखाते हो ये सब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। फिर सभी के मुख से यही आवाज निकलेगी कि माया चली गई और हम माया जीत बन गए। वो टाइम अभी आ रहा है। अच्छा, अभी हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे बाप दादा से, सतगुरु बाप दादा से वरदान। तो वरदान है
भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया है। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप तो सदा नैनों में समाये हुए हो। वो एक नजर के लिए तरसते हैं और आप तो पूरे बाप दादा के नैनों में समाये हुए बैठे हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। हाँ, तो हम सभी अपने को खुश नसीब अनुभव करते हैं ना। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन क्या? अगर वृद्धि करनी है खजाने की तो बाबा कहते हैं साधन है बांटना, दूसरों को देते चले जाओ। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे उतना आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन है आज का निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अभी हम सुनेंगे तपस्वी मूर्त बनने के लिए मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा मिली हुई शिक्षा की पॉइंट। जैसे बाप अव्यक्त वतन और एक स्थान पर बैठकर चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे आप भी एक ही स्थान पर बैठकर अपनी तपस्वी स्वरूप द्वारा बाप समान बेहद की सेवा करो। बेहद में सताश दो, बेहद की सेवा में ही अपने को बिजी करो। चिल्ड्रन एवरीवेयर सो यू टू सिट इन वन प्लेस मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।